आज का सुविचार या कहे तो सफलता मंत्र। यदि आप महान और एक कीर्तिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं और हमेशा सफल होना चाहते हैं, तो महर्षि वेदव्यास के इन बातों को हमेशा याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी तृप्त नहीं होता कभी। अभी के समय में लोग धन के पीछे पागल हैं, लेकिन महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। विद्या, सुरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये पांच मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। बेर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पच को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती, इसलिए जितना हो सके लड़ाई झगड़ा बैर से दूर ही रहे आप। ना कोई किसी का मित्र है और ना कोई किसी का शत्रु। स्वार्थ से ही मित्र और शत्रु एक दूसरे से बंधे हुए हैं। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। निरोगी रहना, ऋणी ना होना, अच्छे लोगों से मेल रखना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये मनुष्य के सुख हैं। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती, तथा जो राग भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। कहने का अर्थ ये है कि ना तो आप सुख में घबराएं, ना तो दुख में। जो भी है, अगर दोनों को समान मानते हैं तो वह स्थित प्रज्ञ है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए गए बैर को नहीं। मन से दुखों का चिंता ना करना ही दुखों के निवारण की औषधि है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं है। सत्य ही धर्म है, तप और योग है, सत्य ही सनातन है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है, तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है, इसलिए सत्य को कभी ना छोड़ें। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः आपको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। मधुर शब्द में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही बात अगर कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। एक विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, मैं कौन हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ। ऋषि वेदव्यास कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करें, कभी हिम्मत ना हारें। शोक करने वाला मनुष्य ना तो मरे हुए के साथ जाता है और ना स्वयं ही मरता है। जब लोक की यही स्वाभाविक स्थिति है, तब आप किस लिए बार बार शोक कर रहे हैं। कहने का आशय सिंपल सा है कि यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो उसके बारे में शोक करना एक व्यर्थता है। बार बार उसे याद करके दुखी होना स्वयं को सिर्फ कष्ट में डालने के बराबर है। बाकी ना तो मरे हुए इंसान वापस आ जाएगा और ना ही आप कुछ कर सकते हैं। तो महर्षि वेदव्यास के इन विचारों पर आप जरूर अमल करें। एक श्रेष्ठ और महान इंसान बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, बस मेहनत चाहिए और सही लगन। अपना विचार जरूर रखें कमेंट में। तो मिलते हैं किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।